Hello children, myself Madhuri teacher from Junior KG. Today we learn in subject English and today's topic is small letter O. What we learn today? Today we learn small letter O. In last session we learn how to write small letter O in notebook and how to draw the shape, oval shape, O for oval shape. Okay, so today we write small letter O in our textbook. So everyone open your English textbook and page number 3434. Which page number? Page number 34. On that page, first of all you have to write the date. Which date today? Today 24 September 2020. Okay, aap sabko bhi yahi date likhni hai. Now everyone look at here. First we see pictures related to लेटर ओ. ओ से रिलेटेड पिक्चर्स कौन से होते हैं वो देखते हैं. सो ओ फॉर ऑनियन. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑनियन. ओ फॉर ऑक्टोपस. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑक्टोपस. ओ फॉर ऑक्स. ओ फॉर आउ. ओके, सो ओ से क्या क्या आता है? ऑनियन, ऑक्टोपस, ox and owl. Okay, so now we write small letter O. अब हम लोग क्या करेंगे? Small letter O लिखेंगे. So children, I think you all know how to write small letter O. मुझे लगता है आप सबको आता ही होगा. आता है ना? So first see how to write. Make a circle. O में क्या करना है हमको? सिर्फ circle बनाना है. Very easy. Easy है ना? Yes. So now we write this letter down side. अब हम लोग O किधर रखेंगे? Down में. कैसे लिखते हैं? In between two blue line make a circle. O for octopus. O for onion. O for ox. O for owl. ऐसे ही आपको भी बोल के लिखना है. स्पीक एंड राइट. ओके, ओ फॉर ओवल शेप. ओ फॉर ऑक्टोपस. ओ फॉर ऑनियन. आता है ना सबको? यस. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली. आपको भी ऐसे ही लिखना है. ओके, नाउ हियर यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ. क्योंकि इधर ट्रेसिंग नहीं है. सो राइट इन बिटवीन टू ब्लू लाइन मेक अ सर्कल. ओ फॉर ऑरेंज. ओ फॉर ऑनियन. ओ फॉर आउल. ओ फॉर ओवल शेप. ओके, सो टुडे व्हाट वी राइट? टुडे वी राइट स्मॉल लेटर ओ. व्हाट वी राइट? स्मॉल लेटर ओ. Small letter O. Small letter O. Okay. Now everyone turn your page and on page number 3535. Here also you have to write small letter O, then capital letter O, and then activity related to letter O. Okay. First we write small letter O. इन बिटवीन टू ब्लू लाइन मेक अ सर्कल. दो लाइन के ब्लू लाइन के बीच में ही सर्कल बनाना है. बिकॉज वी राइट स्मॉल लेटर ओ. ओके, व्हेन वी राइट स्मॉल लेटर ओ, राइट इन बिटवीन टू ब्लू लाइन. दो लाइन के बीच में ही लिखेंगे. ओ फॉर ऑक्टोपस. ओ फॉर ऑनियन. ओ फॉर ऑरेंज. ओ फॉर क्या आता है? कौन बोलेगा? बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं ना. यस, नाउ हियर अवर स्मॉल लेटर ओ इज कंप्लीटेड. नाउ इन डाउन साइड विच लेटर इज दिस? दिस इज ऑल्सो लेटर ओ, बट दिस इज कैपिटल लेटर ओ. व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटल लेटर ओ. सो हाउ टू राइट कैपिटल ओ? रेड लाइन टू ब्लू लाइन मेक अ ओवल शेप. Okay, so this is O.
कैपिटल ओ. व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटल लेटर ओ. Now here our capital letter O is completed. So today what we write? First we write small letter O, then we write capital letter O. Now here one activity given related to letter O. O letter से related activity दी गई है. So what to do in this activity? Look at here. Identify the letter O and color it. What to do? इस एक्टिविटी में क्या करना है? हमको लेटर ओ को आइडेंटिफाई करना है, देन कलरिंग करना है. क्या करना है? कलरिंग करना है. किसमें? लेटर ओ में. सो नाउ फर्स्ट वी सी वेर इज लेटर ओ. वेर इज? हियर. दिस इज लेटर ओ ना? यस. सो यू हैव टू कलर इन इट. लेटर ओ में क्या करना है? कलर करना है. ओके ऐसे ही आपको भी कलर करना है. एनी कलर, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो. टीचर टेक रेड कलर. टीचर ने कौन सा कलर लिया है? रेड कलर. नाउ वेयर इज लेटर ओ? हियर. सो हियर ऑल्सो यू हैव टू कलर. नाउ नेक्स्ट ओ वेयर इज? हियर. सो कलर इन इट. स्लोली स्लोली करना है, कलर को बाहर नहीं जाने देना चाहिए. ओके okay? सर्कल के बाहर कलर नहीं करना है. सो वेयर इज नेक्स्ट ओ? हियर. सो हियर ऑल्सो यू हैव टू कलर. नाउ नेक्स्ट वन इज वेयर इज स्मॉल लेटर ओ? हियर. सो यू हैव टू कलर इन इट. ओके सो हियर अवर वर्क इज कम्प्लीटेड. नाउ वॉट टू डू? अब आपको क्या करना है? हु नो? किसको पता है? एवरी वन नो. क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू सी द पिक्चर्स रिलेटेड टू लेटर ओ. ओ से रिलेटेड पिक्चर्स को देखना है. देन यू हैव टू राइट स्मॉल लेटर ओ, देन कैपिटल लेटर ओ, एंड देन डू एक्टिविटी रिलेटेड टू लेटर ओ. ओके सो डू दिस इन योर टेक्स्ट बुक. आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ये करना है एंड स्पीक एंड राइट, बोल के लिखना है. ओके सो बाय बाय. थैंक यू.